भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने कीव पर रूस के बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने ईरान के ड्रोन से राजधानी कीव समेत दूसरे कई शहरों को निशाना बनाया, लेकिन दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने रूस के हवाई हमले को नाकाम कर दिया। बताया गया कि रूस के सैनिकों ने कीव समेत दूसरे शहरों में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए, जिनमें यूक्रेन की सेना ने करीब 10 ड्रोन हवा में ही मार गिराए। और दावा है कि इन हवाई हमले के लिए रूस ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल किया। बताया गया कि रूस ने ओदेसा बंदरगाह पर भीषण बमबारी की, जिसमें वहां अनाज के गोदाम को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि राजधानी कीव और दूसरे शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया और वहां लगातार सायरन बजते रहे। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि रूस इंटरनेशनल हवाई अड्डे को निशाना बना रहा था, जिसे यूक्रेन की फौज ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। इस बीच यूक्रेन ने क्रिसमस से पहले पुतिन से क्राइमिया छीनने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के एक खास कमांडो ब्रिगेड की ट्रेनिंग दे रही है। और इसके अलावा अमेरिका और जर्मनी जैसे देश लंबी दूरी तक मार करने वाली नए मिसाइलें भी यूक्रेन को देंगे, जिसका मकसद क्रिसमस से पहले रूस के कब्जे से क्राइमिया को वापस लेना है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने पुतिन से क्राइमिया छीनने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि इंग्लैंड की डार्टमूर में ब्रिटेन की सेना यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है। और इस ऑपरेशन में जमीन, हवा और समंदर से रूस की सेना पर हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। वही दावा है कि ब्रिटेन के साथ अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भी लंबी दूरी तक मार करने वाली नई मिसाइलें यूक्रेन को देंगे, जिसका इस्तेमाल रूस के रक्षा कवच को तोड़ने के लिए किया जाएगा।